हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर केयर। लकी आर दोज जिनके जेनेटिकली बहुत ज़बरदस्त बाल होते हैं। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। जेनेटिकली मेरे बस ठीक किस्म के बाल थे, दे वरंट अमेजिंग बट दे वरंट रियली बैड ईदर। लेकिन जेनेटिकली जिनके बाल ज़बरदस्त होते हैं, दे आर सुपर लकी। एंड ऑनेस्टली यू कॉन्ट फाइट जीन्स। अगर जेनेटिकली आपकी फिजीक जैसी है, आपकी स्किन जैसी है, आपके बाल जैसे हैं, यू कॉन्ट रियली डू एनी थिंग अबाउट इट, एक्सेप्ट यू कैन टेक केयर ऑफ वॉट यू ऑलरेडी हैव। मेरे जो बाल हैं वो बहुत थिन और फाइन किस्म के हैं, एंड ऑल्सो आई डोंट फील आई हैव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बहुत बेहतर भी हैं और बहुतों से बहुत कम भी हैं। बट लाइक लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जब से मैं दुबई मूव हुई हूँ विद माई हस्बैंड, मेरे जो बाल पहले कुछ गनीमत थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। दे हैव स्टॉप लुकिंग नाइस एंड आई फील लाइक आई एम स्ट्रगलिंग विद माई हेयर इन एवरी वीडियो। दुबई का पानी, इफ यू हैव बीन टू दुबई, दुबई का पानी इज हॉरेंडस। इट्स सो सो बैड फॉर योर हेयर। ऊपर से यहाँ का मौसम डज नॉट हेल्प ईदर। आपके बाल बिल्कुल ही फारे हो जाते हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे आया है या जो यहाँ पे रहता है, आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड एंड नो द स्ट्रगल। इट इज़ नॉट ईजी टू हैव डिसेंट हेयर इन दुबई। दुबई में आके आपके बाल इतने झड़ते हैं, यहाँ का पानी इतना बुरा है। ऑनेस्टली आई हैव नेवर फेस्ड हेयर फॉल, लेकिन जब से मैं दुबई आई हूँ, सर पे मुझे लगता है मेरे आधे बाल हो गए हैं। सो पहले तो मैं अपने बालों की कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने कुछ चीज़ें करना शुरू की हैं एंड आई रियली लुक्ड इनटू हेयर केयर, बिकॉज दुबई आके मुझे अपने बालों का बहुत एहसास हुआ और उस मुझे फील हुआ कि कितनी बड़ी नेमत थी टू हैव नेचुरली डिसेंट हेयर। बहुत अच्छे बाल तो मेरे कभी नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ गुजारा थे जो कि दुबई आके। Anyway, so I will share a few things that I do for my hair and what I do to keep them healthy and to maintain their health. Obviously, hair, like your skin, like the rest of your body, is really important. You have to take care of it. अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा healthy रहें और end तक आपका साथ दें, end पे सर पे दो बाल ना रह जाएं। Before मैं ये intro बहुत लंबा कर दूँ, let's just start with the video. Okay, so the first thing that I do is I don't brush my hair. जब वो tangled होते हैं, मैं ऊपर से brush करना शुरू नहीं करती। You know when you start brushing और आप इधर से brush करते हैं, usually यहाँ कहीं पे वो जाके फंस जाते हैं and then you tug on your hair और वो फिर टूटते हैं, brittle हो जाते हैं। So what I do is I take the lower half. I start with the hair at the bottom, जो नीचे बाल होते हैं मैं उनसे start करती हूँ पहले। इधर से सारे knots हटाती हूँ, then I go a little further ऊपर और इस तरह, and that's how I brush my hair. बचपन से मुझे आदत थी कि हेयर ब्रश पकड़ के जोर जोर से खींचना और उसमें कोई 1,00,000 बाल टूट जाते थे। ओके फाइन, 1,00,000 बाल नहीं टूटते थे, लेकिन बहुत सारे बाल टूट जाते थे एंड उस वक्त फील नहीं होता, लेकिन वो जो खींच के ब्रिटल होके बाल टूटते हैं, बहुत डैमेज्ड हो जाते हैं एंड ओवरऑल बहुत अनहेल्दी सी आपके बालों की लुक लगती है। ओके, सो द सेकेंड थिंग दैट आई डू इज आई डोंट वॉश देम वेरी फ्रीक्वेंटली। 2 to 3 days के बाद, एक्चुअली 3 to 4 days के बाद आई वॉश माई हेयर। एंड आई नो दैट साउंड्स डिस्गस्टिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहाए नहीं। यू कैन वेयर अ शावर कैप एंड यू कैन वॉश द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। एंड आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं इतनी देर नहाए बगैर नहीं रह सकती और या बाल धोए बगैर नहीं रह सकती बिकॉज माई हेयर गेट्स रियली ऑयली। एक मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि मुझे भी ऐसे लगता था एंड देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट और मुझे पता चला द मोर फ्रीक्वेंटली यू टेक अ शावर और जल्दी ऑयली होते हैं और उसको आदत हो जाती है। सो इफ यू हैव बीन टेकिंग अ शावर वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, योर स्कैल्प इज प्रोबेबली यूज टू ओवर प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड प्रोड्यूसिंग ऑयल वेरी फ्रीक्वेंटली। सो एक दो दफ़ा आप कोशिश करें कि आप उसको प्रोलॉन्ग करें, उसको 2 to 3 days करें, फिर एक दिन और वो करें। तो आई पर्सनली थिंक दैट इट्स आइडियल टू वॉश योर हेयर ट्वाइस अ वीक। आई नो कुछ लोगों को ये डिस्कस्टिंग लगेगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट टेक अ शावर। टेक अ शावर, बॉडी अपनी साफ करें, लेकिन अपने बाल ट्राई टू नॉट ओवर वॉश देम। आपके बाल ओवर ड्राई नहीं होते एंड दे लुक एंड दे स्टे हेल्दियर फॉर लॉन्ग। और ये मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस की है। जितना आप ज़्यादा जल्दी बाल धोते हैं, उतनी जल्दी वो ऑयली होते हैं, बट इफ़ यू गिव गैप्स, आपके बालों को उतने टाइम के बाद ऑयल प्रोड्यूस करने की आदत हो जाती है एंड योर हेड or your scalp is not over producing oil. Another thing that I do is I don't over style them. मैं once a week से ज़्यादा उनको स्टाइल नहीं करती, और जब भी मैं स्टाइल करती हूँ अपने बाल विद हीट, I always use a heat protectant. आई नो इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता, बट सिंस मैंने उसको बहुत ही कॉन्शियसली यूज़ करना शुरू किया, एवरी टाइम आई स्टाइल माई हेयर, मुझे उसका डिफरेंस फील हुआ है कि बाल इतने ज़्यादा वो जो फ्राई होते हैं और जलने की भी स्मेल आती है ना, वो नहीं आती। और ऑनेस्टली वो जो एक कोटिंग है, दैट रियली रियली प्रोटेक्ट्स योर हेयर। अनदर थिंग दैट आई डू इज, ये भी बड़ा गंदा हुआ है, मैं लॉन्ड्री से लेके आई हुई हूँ, लेकिन आई यूज सिल्क पिलो केसेस।
आई डोंट नो इफ यू कैन टेल बट ये मैंने खुद बनवाया था सिल्क लेके खरीद के आई गॉट इट मेड माई सेल्फ. बेसिकली जब हम सोते हैं आपके बालों पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ती है जिसकी वजह से आपके बाल टूटते रहते हैं, टैंगल होते हैं. सिल्क से वो क्योंकि इट्स रियली स्मूथ, आपके बाल इतनी ज़्यादा टूटते नहीं हैं. एंड ये मैंने एक टिप किसी आई थिंक यूट्यूब पे ही देखी थी और मैंने इसके बारे में कुछ ऑनलाइन पढ़ा भी था. एंड सिंस आई हैव यूज्ड इट आई डू फील अ डिफरेंस. आपके बाल ज़्यादा सिल्की भी रहते हैं एंड वो ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं. सो पर्सनली आई थिंक इट हैज़ बीन अ रियली यूजफुल टिप. आई डू इज़ कि जब हम नहा के निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों को आदत है और मुझे भी बहुत अरसा, लाइक एक साल पहले तक मुझे भी थी, जब हम बाहर निकलते हैं हम वो जो एक टर्बन पगड़ी सी नहीं टॉवल के साथ बांध लेते पूरे बाल रोल करके, आई पुट इन अ पिक्चर सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मुझे नहीं पता था उससे एक्चुअली आप यहाँ से गंजा होना शुरू हो जाते हैं, आपके बालों पे इतनी टेंशन और खिंचते हैं आपके बाल जिसकी वजह से आप यहाँ से गंजा होना शुरू हो जाते हैं. आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके यहाँ से, अक्सर लड़कियों के बाल कम होते हैं, मेरे भी हैं और आई थिंक बहुत सारी लड़कियों के होते हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि हम वी मेक इट वर्स. और कुछ लोगों के नहीं भी होते, वो इस ये करके दे स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर फ्रॉम द फ्रंट. बेसिकली इसे टेंशन एलोपेशिया कहते हैं. एंड बेसिकली आपके यहाँ से बाल जो खिंचते हैं जब आप वो टर्बन बांधते हैं, वो जब आप रोल करते हैं उसकी वजह से यहाँ से आपके बाल खिंचते हैं. और यू डू इट लाइक वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक, आप इतना फ्रीक्वेंटली ये काम करते हैं कि वो आपके इस जगह से आपके जब बाल खिंचते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग बट वो जब बाल खिंचते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ से गंजा होना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट्स नॉट फन, नॉट फॉर गर्ल्स. लड़के हो जाते हैं लेकिन गेट अवे विद इट. जब लड़कियां गंजी हो जाती हैं, नो, इट्स बेटर कि ये जो एक आदत है जो हम बहुत कॉन्स्टेंटली करते हैं टू अवॉइड इट. मुझे ये बहुत बाद में पता चला, मुझे ये साल पहले पता चला है एंड आई स्टॉप डूइंग इट. शुक्र है बिकॉज बाई द टाइम आई गेट टू माई 40s मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से पूरी गंजी ही हो जाऊंगी. मुझे पहले ही मुझे लगता है यहाँ पे मेरे बाल बहुत कम है. सो या डोंट डू दैट. आई डोंट नो, मैंने बहुत बुरी तरह एक्सप्लेन की है. एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं लाइक दिस शावर टावल कैप दैट आई हैव. ये मिनीसो से बहुत सस्ता सा मिल जाता है वेयर यू डोंट हैव टू पुल योर हेयर और वो उसको रोल नहीं करना पड़ता. वो सारे बाल अपने जमा करके उस कैप के अंदर डाल सकते हैं और वो आपके बाल खींचते नहीं हैं और वो टावल जो है वो सारा आपका वाटर सोक कर लेता है. सो देयर आर सो मेनी अदर शावर कैप्स जो टावल की बनी होती हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स की बनी होती हैं, दैट कैन सोक वाटर फ्रॉम योर हेयर. मैं तो एयर ड्राई करने के लिए रहने देती हूँ. आई एक्चुअली डोंट यूज अ टावल. मैं उसको टैप कर लेती हूँ टावल से जो मोटा मोटा पानी निकल जाता है, बट देन I leave it to air dry. I think air drying is the best way to dry your hair. बहुत सारे लोग hair dryer use करते हैं to dry their hair. And अगर आपको जल्दी हो that's a great way to do it. या अगर बहुत सर्दी हो and you don't want your hair to stay wet for a long time, आप ये कर सकते हैं. But I think air drying your hair is the best way. एक और चीज़ जो मुझे पता चली थी जो मुझे नहीं पता थी, that was कि शैम्पू सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना होता है, roots पे नहीं लगाना होता. नो वेट, रूट्स यही होती हैं, अपनी टिप्स के ऊपर, एंड्स के ऊपर नहीं लगाना होता. आई यूज़ टू फील, मैं पहले एक शैम्पू इधर यूज़ करती थी और फिर मैं यहाँ पे आके ऐसे ऐसे करती थी. एंड व्हाट आई फाउंड आउट दैट्स नॉट हाउ यू डू इट. मुझे लगता है मुझे नहाना ही सही नहीं आता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बेसिकली जब हम शैम्पू इधर लेके आते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, या उसको रगड़ते हैं, उससे क्या होता है आपके बाल फ्रिक्शन की वजह से टूटते हैं, टैंगल होते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं. तो बेसिकली आपको इस तरह नहीं करना होता, सिर्फ अपने सर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर शैम्पू लगाना होता है और जब पानी से वो सारा शैम्पू नीचे तक जाता है, आपके नीचे तक बाल ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं. एंड ऑल्सो जो ऑयलीनेस होती है या आपके बाल गंदे होते हैं, वो आपके स्कैल्प से होते हैं, टिप्स से नहीं होते. सो बेसिकली आपको अपना सिर्फ स्कैल्प धोना होता है, नॉट द रेस्ट ऑफ योर हेयर. सो आई डोंट नो दैट. ओके, अनदर पॉइंट वो जो कि आप सारे शायद प्रॉबेबली वेट कर रहे थे, जिसका ऑयलिंग. यस, ऑयलिंग इज द बेस्ट वे टू नरिश योर हेयर. आई हैव सच अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ऑयल्स. मुझे लगता है कि मैं एक ही ऑयल बार बार यूज करूँ उससे मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिलता. इसलिए बहुत पहले मैं ऑयलिंग में कोई बिलीव नहीं करती थी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती थी. दुबई आके मुझे एहसास हुआ है कि कितनी इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द ऑयल्स दैट आई यूज. आई यूज कैस्टर ऑयल. दिस इज ग्रेट इफ यू वॉन्ट योर हेयर टू ग्रो लॉन्गर. ये बहुत जल्दी से इससे बाल ग्रो होते हैं. देन आई हैव आलमंड ऑयल. दिस इज ग्रेट इफ यू डोंट लाइक सुपर ग्रीसी थिक किस्म का ऑयल. देन आई हैव अ फ्यू ब्लेंड्स फ्रॉम हेयर मैटर्स. हेयर मैटर्स के बहुत मजे के ब्लेंड्स होते हैं. दिस वन आई थिंक इज फॉर रिवाइटलाइजिंग, द अदर वंस फॉर हेयर ग्रोथ. आई लव हेयर मैटर्स के प्रोडक्ट्स एंड द पैकेजिंग इज रियली नाइस एज वेल. इसका कवर उतर गया पीछे वाले का. एंड दिस इज कूल नेचुरल्स का कोकोनट ऑयल. आई लव कोकोनट ऑयल. ये कितना ज़्यादा मैंने यूज़ किया.
coconut oil is really, really great for the hair. So these are just a few oils that I use and I love all of them. Kabhi main koi use karti hun, kabhi koi, because I like to switch it up. Another thing that I do is I use leave-in treatments. अब ये करना ज़रूरी नहीं है, you can use argan oil या कोई भी natural जो बहुत ज़्यादा greasy किस्म का oil नहीं होता, like argan and I think even almond. You use just 2 drops और वो आप अपने बालों में नहाने के बाद to the ends लगाना है, scalp पे नहीं लगाना, because then it gets really oily. But you can use any sort of dry किस्म का oil. I use this Moroccan oil. ट्रीटमेंट. दिस इज़ सो नाइस और ये इतना अर्सा चलता है, इतना अर्सा चलता है. आई थिंक 2-3 साल चलता है, 2-3 साल से भी ज़्यादा चल जाता है, बिकॉज लाइक आई बिन यूजिंग इट फॉर सो लॉन्ग और ये ख़त्म नहीं हो रहा. दिस वन बाय क्यूने. देर सो मैनी लिव इन ट्रीटमेंट्स, लॉरियल का भी है. देर सो मैनी लिव इन ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन यूज़. और अगर आपने वो कोई बाजार से नहीं लेना, आप कोई आर्गन ऑयल या कोई भी इस तरह का ड्राई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन द एंड्स ऑफ योर हेयर, जिसकी वजह से वो ब्रिटल नहीं होते, स्प्लिट एंड्स नहीं बनते, ओवरऑल थोड़े नरिश्ड रहते हैं एंड दे जस्ट लुक हेल्दी. आई फील के जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं या कंडीशनर यूज़ करते हैं, वो आपके बालों में बहुत थोड़ी देर रहता है, लेकिन ये जो लिव इन ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके बालों में दे स्टे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक दे डू अ लॉट मोर देन द काइंड ऑफ शैम्पू यू यूज़ और द काइंड ऑफ कंडीशनर यू यूज़. अनदर थिंग दैट आई यूज़ इज़ दिस IGK मिस्ट्रेस. दिस इज सो गुड. इससे मेरे बाल इतना अच्छा स्मेल करते हैं. माई हस्बैंड कीप्स स्निफिंग माई हेयर. वो मेरे बाल, they just smell so good. You don't need a hair fragrance. आपके बाल for 2-3 days, for like 3-4 days, जब तक मैं next नहाती नहीं हूँ, they smell so good. But that's not what I use this for. इससे मेरे बाल इतने smooth हो जाते हैं. I don't need to use a straightener or anything. और मेरे बाल बिल्कुल frizzy नहीं रहते. For like a day to 2 days तक वो बाल जो हैं मेरे in place रहते हैं. They are well behaved. 1.5 to 2 days के बाद they just go back to being crazy. But for the first 2 days, 1.5 to 2 days, they look so good and well kept और बहुत अच्छे लगते हैं. This is an amazing product and I need to get it again. पाकिस्तान में unfortunately नहीं मिलता. I think एक आध पेज पर मिलता था. मैंने भी एक पेज से ही ऑर्डर किया था. But this is literally one thing for my hair that I can't live without. I love it so much. और इससे आपके बाल इतने sleek और straight. I don't need a straightener. इससे मेरे already बाल straight हैं, but वो इतना smooth कर देते हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने straightener से बाल straight किए हों. They look so good. Last but not the least, बल्कि जो सबसे important चीज़ है, that is your diet. Nothing beats healthy diet and nourishment from within. अगर आप अच्छी चीज़ें खाएंगे जो आपके बालों के लिए अच्छी है. I remember मेरी मामा कहती थी कद्दू बहुत अच्छा होता है. लेकिन you can't quote me on this, I'm not sure. But eating fruits and vegetables and everything that has a lot of multivitamins, the nourishment and the healthiness that a good diet can give to your hair, I think nothing else can. जितनी आपकी अच्छी डाइट होगी, जितने आप अंदर से हेल्दी होंगे, that will show on your hair as well, because आपके हेयर फिर शाइनी होंगे, they'll be healthy. आपको ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. That's it for this video guys. I hope this was helpful. बहुत ही जेनेरिक सी इजी सी टिप्स हैं, द काइंड ऑफ टिप्स दैट डोंट इवन रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. बस थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत होती है एंड थोड़े से आप विजिलेंट हो जाएं अबाउट द लिटिल थिंग्स दैट यू डू एंड दैट्स इट. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल. अगर आपको इसमें से कोई भी टिप अच्छी लगी हो, लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.